हेलो दोस्तों, शिमला की हसीन वादियों से मैं वाव व्लॉगर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग अभी है शिमला में और ये हमारा दूसरा दिन है। हम लोग सुबह उठ के रेडी हो चुके हैं और अभी यहाँ पर बारिश हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला हूँ जो शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बनी हुई है और कहा जाता है कि उस जगह से हनुमान जी शिमला की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ शिमला में आए हुए जाकू मंदिर पे, जहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है, जो दूर से ऐसा दिखाई देता है कि हनुमान जी साक्षात पूरे शिमला को वहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों, बारिश ख़त्म हो चुकी है और हम लोग अभी निकल चुके हैं जाकू मंदिर जाने के लिए। दोस्तों, जाकू मंदिर तक आप लोग पैदल, घोड़े, टैक्सी या रोपवे द्वारा जा सकते हैं और जाकू मंदिर में जाने के लिए रोपवे का चार्जेस पर पर्सन 250 रुपया और बच्चों का 200 रुपया चार्जेस लगता है और ये जर्नी 8 किलोमीटर की रोपवे की जर्नी रहती है, जो करीबन 10 मिनट तक आपको रोपवे से जाकू मंदिर तक लेके जाती है। लेकिन अगर आप नेचर का आनंद लेना चाहते हैं तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जाकू मंदिर पैदल जाइए। तो दोस्तों, हमने जाकू मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी है। आप लोग देख सकते हैं ये लोग शॉर्टकट लेके जा रहे हैं ऊपर। आप लोग ऐसे शॉर्टकट मत लीजिए क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो आप लोग नीचे गिर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जाकू मंदिर के गेट पे आ चुके हैं और ये जाकू मंदिर का मेन गेट है। यहाँ पर खड़े रह के कई लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं तो हमने भी तस्वीर खिंचवा ली और यहाँ पे आपको बाजू में बोर्ड मिलेगा जहाँ पे जाकू मंदिर की इससे जुड़ी प्राचीन कथा का उल्लेख किया गया है। शिमला में जाकू मंदिर देखने के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है और ये मंदिर सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, अगर आप जाकू मंदिर में जा रहे हैं तो जूते चप्पल मंदिर परिसर के बाहर ही छोड़ना सुनिश्चित करें। मंदिर जाते समय अपने हाथ में कुछ भी न रखें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं जाकू मंदिर। यह मंदिर समुद्र तल से 2455 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ पर आई हुई पर्वतीय श्रृंखला में सबसे ऊंची पहाड़ी पर यानी कि जाकू हिल पर स्थित है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर परिसर में स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। 4 नवंबर 2010 को जाकू हनुमान मंदिर के हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति का अनावरण किया गया था और इस प्रतिमा को दुनिया में श्री हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, जाकू मंदिर के बारे में एक दिलचस्प पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आमतौर पर यहाँ कहा जाता है कि रामायण के लंका युद्ध के दौरान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मेघनाद का एक शक्तिशाली तीर लगने से घायल हो गए और बेहोश हो गए। तब एक प्रसिद्ध पुजारी ने भगवान राम से कहा कि उन्हें वापस जीवन में लाने के लिए एक विशेष संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी। तब राम जी ने हनुमान जी को हिमालय से जड़ी बूटी लाने का कार्यभार सौंपा। राम जी की आज्ञा का पालन हुए हनुमान जी हिमालय की ओर संजीवनी बूटी की तलाश में निकल पड़े। श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर द्रुत गति से आ रहे थे तो उनकी अचानक दृष्टि जाकू पर्वत पर तपस्या लीन यक्ष ऋषि पर पड़ी। कालांतर से उनके नाम पर ही जाकू पहाड़ी का नाम रखा गया है। संजीवनी बूटी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हनुमान जी इस पर्वत पर उतर गए और इस पर्वत पर बैठ गए और यक्ष ऋषि से जड़ी बूटी के बारे में
जानकारी हासिल करने लगे। ये पर्वत हनुमान जी का वजन सहन नहीं कर सका और चपटा हो गया, उसका आकार आधा रह गया। संजीवनी बूटी के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को संजीवनी बूटी लेके लंका वापस जाते समय उनसे मिलने का वादा किया और हनुमान जी द्रोण पर्वत की ओर चले गए। जहाँ पर हनुमान जी उतरे थे वहाँ पर आज भी उनके चरण चिन्हों को मंदिर के पीछे एक कुटिया में संगमरमर से निर्मित करके सुरक्षित रखा गया है। संजीवनी बूटी लेके वापस जाते समय हनुमान जी को कालनेमी नामक राक्षस से लड़ना पड़ा, जिसने हनुमान जी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जिसमें उनका बहुत सारा मूल्यवान समय बर्बाद हो गया। समय पर लंका पहुंचने के लिए उन्हें यक्ष ऋषि से न मिलने का फैसला लेना पड़ा और हनुमान जी सबसे छोटा रास्ता अपना के लंका की ओर चले गए। जब हनुमान जी वापस नहीं आए तो ऋषि व्याकुल हो गए और हनुमान जी का स्मरण करने लगे। तभी हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए और उनसे न मिलके वापस चले जाने का कारण बताया। और जैसे ही हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, उनकी एक मूर्ति पहाड़ी पर अपने आप प्रकट हो गई। यक्ष ऋषि ने हनुमान जी की स्मृति को विद्यमान रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद ऋषि अपने चरण पादुकाए स्मृति चिन्ह यहाँ छोड़कर अदृश्य हो गए। तब से आज तक यह मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। श्री हनुमान जी का जो भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में पूजा पाठ करता है, श्री हनुमान जी उनके सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा दुष्टों को संहार करके भक्तों की रक्षा करते हैं। जाकू मंदिर के आगे की साइड बना हुआ है एक गार्डन, जहां पर आप बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और जाकू मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से कई भक्त शक्ति, शांति और विवेक की तलाश में प्रतिदिन मंदिर में आते हैं और इस प्रतिमा के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटक यहाँ आराम से समय बिता सके। तो हम लोग भी अभी लाइन में लग चुके हैं और हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारी चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और आगे हम लोग आपको करवाते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो या फोटोग्राफर हो या हनुमान भक्त हो, शिमला के जाकू मंदिर का दौरा करना आइसक्रीम में चेरी डालने जैसा काम करता है। ये स्थान स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी कुछ समय के लिए सांसारिक दुनिया से अलग होने का एक आदर्श स्थान है। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर शिमला आते हैं तो जरूर से जाकू मंदिर एक बार विजिट कीजिए।
दोस्तों, ये मंदिर में हर मंगलवार और हर शनिवार को भंडारा लगता है, जहां पर आप लोग प्रसादी के रूप में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हनुमान जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ चुके हैं और इसके साथ ही हम लोग अभी ये वीडियो खत्म करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हनुमान, जय श्री राम। मैं और वेदू जल्दी आ गए और पीछे वो देरी से आ रहे हैं। सही बोला, चढ़ते टाइम भी स्लो और उतरते टाइम भी स्लो।